नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्जन पेंट के बारे में। वर्जन पेंट स्टॉक क्यों क्रैश हुआ, स्टॉक के क्रैश होने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है वर्जन पेंट। इतनी बड़ी गिरावट कभी कभी देखने मिलता है। आज स्टॉक जो 4 से 5% डाउन था, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या लेवल्स और टारगेट होगा, तो कंप्लीट रूप से आप जान पाएंगे, क्योंकि वर्जन पेंट हमने भी रिकमेंड किया था, कल के वीडियो में रिकमेंड किया था। देखिए, सबसे पहले हम वर्जन पेंट के टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है फिर से वर्जन पेंट का जो फंडामेंटल्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं। टेक्निकल रूप से वर्जन पेंट यहाँ पर जो है क्रैश हुआ, क्यों हुआ, फिर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएंगे। देखिए, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों कैसे को रिलेट हो जाता है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। दोनों का रिलेशन जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, यहाँ से वर्जन पेंट पहले तो काफी बुलिश था, अगर हम दिसंबर की बात करें, यहाँ से गया एक नया हाई बनाया, यहाँ से फिर स्टॉक इसमें गिरावट आता है, फिर एक हाई बनाया और यहाँ से देखिए फिर से इसमें एक गिरावट होती है, लोअर लो बनाया। जो लो बनाया वो पिछले लो से नीचे था, तो यहाँ पर हमें क्लियर संकेत दे दिया कि स्टॉक बियरिश हो चुका है। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। देखिए, स्टॉक फिर से एक हाई बनाया, जो हाई पिछले हाई से नीचे है, तो एक लोअर हाई बनाया, मतलब स्टॉक बियरिश है। फिर देखिए, यहाँ लो बनाया, जो लो इस लो से नीचे है, मतलब स्टॉक बियरिश है, कंप्लीट रूप से बियरिश चल रहा है, बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। फिर यहाँ पर स्टॉक एक हाई बनाता है, जो हाई पिछले हाई से नीचे है, तो लगातार लो पर हाई बना रहा है, फिर से यहाँ का एक लो बनाता है स्टॉक। तो ये जो लो था पिछले लो से ऊपर था, या कहें कि इसके सेम लेवल पे था, पहले से जो यहाँ लो बन रहा था सेम देख सकते हैं लेवल पे है, मतलब ये सपोर्ट रीजन है। ये जो रीजन है जहाँ पे ये लो बना रहा है बार बार, ये लो क्या बन रहा है, सपोर्ट के पास। तो सपोर्ट के पास बना, फिर यहाँ से स्टॉक गया अप ट्रेंड में, और इस बार इस लेवल को जो पिछला ये सारा मतलब हाई था, इस हाई को क्रॉस करते हुए अपने ऑल टाइम हाई के भी ऊपर गया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं किया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। जो 820 रुपीज है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहां से देख सकते हैं स्टॉक क्रैश हो गया। तो यहाँ पर एक फंडामेंटल से रीजन मिला स्टॉक को क्रैश होने के लिए, और यहाँ से ये गिरावट हो सकता है कि कंटिन्यू भी रहे, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। अगर हम पिछले ईयर्स की तुलना में कह रहे हैं तो इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट भी और रेवेन्यू भी। प्रॉफिट तो डबल हो चुका है पिछले साल के मार्च क्वार्टर के कंपेयर में, लेकिन पिछले दो क्वार्टर के कंपेयर में कहें तो प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने मिला है, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब गिरावट देखने मिला है। तो उस गिरावट के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने रेसिस्टेंस स्टॉक यहाँ पर एक बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने मिला है, ये गिरावट कंटिन्यू भी हो सकता है। तो ये रीजन था। अब देखते हैं ये यहाँ कहाँ पे सपोर्ट लेता है, क्योंकि इसका जो मेन सपोर्ट है वो हमारा है 700, या ये यहाँ पे भी सपोर्ट बना सकता है 770 रुपीज़ पर। तो अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ये जो गिरावट है कहाँ तक कंटिन्यू रहता है वर्जन पेंट में। अगर वीकली चार्ट पे बात करें तो देखिए, वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर एक कप पैटर्न बनाया, जो मार्च गिरावट था 2020 में, और यहाँ से एक हैंडल पैटर्न बनाया, और यहाँ से ब्रेकआउट जो दिया वो जबरदस्त था। फिर से यहाँ पर देखिए एक कप पैटर्न बनाया है, फिर से यहाँ पर हो सकता है एक हैंडल बनाए। अगर यहाँ पर एक हैंडल बनाता है तो फिर से आपको इसमें ये ऊपर मोमेंटम दिखा सकता है। अगर यहाँ से एक हैंडल बनाता है स्टॉक, तो जिसमें अभी वक्त लगेगा, अगर ये हैंडल बनाए यहाँ से तो फिर से ये अप मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, अगर ये यहाँ पर कप पैटर्न बनाया है, अगर ये हैंडल पैटर्न बनाता है तो ये यहाँ से फिर से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर से एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगा। लेकिन इसमें जो फंडामेंटल्स रीजन है वो अभी बता रहा है कि यहाँ से स्टॉक जो है आपको अब मोमेंटम देने में काफ़ी वक्त लगा सकता है। अगर अभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी वेट करें, क्योंकि अभी इस स्टॉक में अब मोमेंटम शायद नहीं बचा है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो जैसा कि हमने बोला, देख सकते हैं कि यहाँ जो मार्च 2021 क्वार्टर का प्रॉफिट है 209 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिए 275 करोड़, उससे पहले के क्वार्टर में 221 करोड़, और जून क्वार्टर 2020 में देखते हैं मात्र 15 करोड़ था। तो यहाँ पर तो काफ़ी कम था, लेकिन इस बार भी जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉकडाउन फिर से लगा है। पिछले साल भी लॉकडाउन था, इस बार भी लॉकडाउन है,
तो इतना कम नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट निश्चित है कम होगा। तो ये जो स्टॉक हमने आपको यहाँ बताया कि ये कप पैटर्न बना सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि जून क्वार्टर का रिजल्ट और भी खराब हो सकता है। अगर ये गिरावट यहाँ कंटिन्यू रहता है तो जून क्वार्टर के रिजल्ट आते ही ये इसको इस गिरावट को सपोर्ट करेगा और गिरावट यहाँ पर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या यहाँ से आप मोमेंटम भी दिखा सकता है, ये किसी को पता नहीं। ये मार्केट तय करेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन ये बात तय है कि जून क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी प्रभावित होंगे कंपनी के, तो आपको एक करेक्शन देखने मिल सकता है या स्टॉक यहाँ से क्रैश भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बात करें बर्जर पेंट का, तो बर्जर पेंट में जो देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम आने वाला है, यहाँ देखिए सबू कोटिंग्स ग्रो 60% इन क्वार्टर फोर। जो सब इसका कोटिंग मटेरियल रॉ मटेरियल है वो उसका जो प्राइस है वो 60% से बढ़ गया। तो रॉ मटेरियल का प्राइस भी यहाँ पर बता रहा है कि बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म आगे कर सकता है क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाएगा रॉ मटेरियल के प्राइस के बढ़ने से। तो ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस में देखना पड़ता है कि किस समय रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है। जैसे क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो पेंट जो कंपनियाँ हैं उसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल भी है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम फेस होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर कंपनी का घटेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर जो एक ब्रोकर है मैक्वेरी मेंशन किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग और इसका टारगेट दिया है 600 रुपीज। जैसा कि हमने टेक्निकल चार्ट पे भी बताया कि इसमें यहाँ से गिरावट इसमें हो सकती है और ये गिरावट 600 रुपीज़ का टारगेट दिया है। हमने तो आपको 700 तक ही बताया, यहाँ पर 600 रुपीज़ का टारगेट दिया है कि ये 600 रुपीज़ तक आ सकता है, मतलब ये गिरावट 600 तक हो सकता है। तो यहाँ आपको अब इस स्टॉक को थोड़ा एवॉइड करना चाहिए। अब जिस स्टॉक में बुल रैली है आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो पेंट सेक्टर के स्टॉक है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहेंगे, वहाँ पर आपको उतना रिटर्न देखने नहीं मिलेगा। अगर स्टॉक में तेज़ी देखने मिलता भी है तो अभी आपको यहाँ पर उतना रिटर्न देखने नहीं मिलेगा जितना कि और सारे स्टॉक आपको दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरह के वीडियो और आगे भी देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।